Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC2118. For today's discussion, I have following learning objectives for you. First of all, we will going to discuss the dynamic models of curriculum. And then we will going to give a deeper look to one of our dynamic model that is actually developed by Malcolm Skillback and commonly known as Malcolm Skillback model. Whatever the material I'm going to present you in this presentation, I have taken from the reference that you can see at the bottom of this page. You can download this reference very easily from the Google Scholar. It is a big document. And definitely I will going to share this reference with you on your Google Classroom. Rationale of Malcolm Skillback model. The important question, it is what we need to answer first, is that why we need a dynamic model? When we have two such models available, Taylor's model, that's a linear model, Wheeler's model, which is a cyclical model, वो एक साइकिल में कर रहा है, कॉन्टीन्यूस मॉडल है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक नया मॉडल अडॉप्ट कर लें? इसका मतलब ये है कि जो टेलर का मॉडल है और व्हीलर का मॉडल है, इन दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती या उसकी प्रॉपर स्पिरिट से फुलफिल नहीं कर पाती. इनमें कुछ लूप होल्स हैं जो कि हमारी स्कूल एजुकेशन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से मूव ऑन नहीं होने दी. अब वो क्या लूप होल्स हैं वो हमें मैल्कम स्किलबैक बताता है. लेकिन उन लूप होल्स तक पहुंचने से पहले लेट्स गिव अ वेरी ब्रीफ रीकैप के लीनियर मॉडल क्या था और व्हीलर मॉडल क्या था. लीनियर मॉडल था टेलर का और व्हीलर का था साइक्लिकल मॉडल. दोनों मॉडल के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस हैं. दोनों मॉडल पहली स्टेज जो है उनकी है कि सबसे पहले हमें जब करिकुलम डेवलप करना होता है तो करिकुलम डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, गोल्स बनाने चाहिए, एम्स और पर्पस बनाना चाहिए कि आखिर एजुकेशन का इस करिकुलम को बनाने का और इसको पढ़ाने का क्या पर्पस है. ये पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो किस प्रोफेशन में जाएंगे और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनमें कैपेबिलिटीज़ डिवेलप हो जाएंगी. फिर वो आपको बताते हैं कि उस सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं. पहले आप वो सिलेक्ट करें, फिर कंटेंट सिलेक्ट करें, फिर उसको क्लास में पढ़ाएं, ऑर्गेनाइज करें और इंटीग्रेट करें और फिर अवैलुएट करें. अवैलुएट करके चेक करें, स्टूडेंट से टेस्ट लें, एग्ज़ाम लें, उससे पता चलेगा कि जो आपकी गोल्स थे, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, स्टूडेंट्स ने वो कितने अचीव कर लिए और आपका जो मॉडल था करिकुलम का वो कितना अचीवेबल रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, स्टूडेंट में कितनी कैपेबिलिटीज डेवलप हो गई. अब इस मॉडल को हमने रिकैप कर लिया. अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देने जा रही हूँ. अब आपने करना ये एग्जांपल सुनने के बाद कि उस मॉडल और उस एग्जांपल में सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करना. जस्ट लाइक अ मॉडल, आप सोचो कि आपके पास एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री है कागज़ की. आप जो कागज़ बनाने जा रहे हो वो कागज़ स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए और आपके कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में पेपर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा. सो ये आपका पर्पस है फैक्ट्री लगाने का. उस फैक्ट्री में जो आप कागज़ बनाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि उस कागज़ का स्पेसिफिक साइज़ होगा जो कि प्रिंटर्स में इस्तेमाल हो सकता है, उसका स्पेसिफिक वेट और गेज होगा, उसके मल्टीपल कलर्स होंगे और ये स्पेसिफिक कलर्स आपकी फैक्ट्री उसको डिवेलप करेगी. कुछ आपके असाइनमेंट्स पेपर होंगे जो आप स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाओगे, उनका कुछ स्पेसिफिक साइज़ होगा, कलर होगा, उन पर लाइन होगी और उनका स्पेसिफिक वेट होगा. सो अब ये आपके पर्पसेस हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपकी फैक्ट्री लगाने के. अब आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में लकड़ी आ रही है लेट्स से. अब आप उस लकड़ी को मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजार रहे हो, मशीनों से गुजार रहे हो, वो लकड़ी से आप क्या बना रहे हो, फाइनली पेपर बना लेते हो मल्टीपल प्रोसेसेस से. अब उस पेपर को मार्केट में भेजने से पहले आप एक दफ़ा चेक करते हो, उसकी क्वालिटी चेक करते हो कि क्या वो तमाम स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतर गई, क्या तमाम ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस पूरे हो गए
कि इसको हम कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में भेज सकें, क्या जो हम पेपर बना रहे हैं उसका साइज़ एग्जैक्ट वही है जो कि हमने सोचा था, उसका पेपर का वेट एग्जैक्ट वही है जो हमने सोचा था, जिन पेपर का और जिन बंडल्स को जो क्वालिटी इंश्योरेंस पे पूरे उतरते हैं हम उन्हें मार्केट भेज देते हैं, और बाकियों को हम कहाँ भेज देते हैं, रिसाइकल बिन में। अब आपका स्कूल है, आपने उसमें करिकुलम इम्प्लीमेंट किया, रॉ मटेरियल के फॉर्म में स्टूडेंट आ रहे हैं, आपने वो करिकुलम उन्हें पढ़ाना शुरू किया, फिर क्या किया, स्टूडेंट फाइनल टर्म में आ गए, एंड ऑफ प्रोग्राम आ गए, आपने उनका पेपर लिया, पेपर लेने के बाद हम उन्हें रिसाइकल बिन में तो नहीं डाल सकते पर हम उन्हें मल्टीपल ग्रेड देते हैं, और ग्रेड से पता चलता है कि अगर ग्रेड बहुत अच्छा है तो उसका मतलब है कि इस एरिया से मुतल्लिक उस सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, और ग्रेड बहुत कम है अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है तो उसका मतलब है कि स्टूडेंट प्रोफेशनली इस एरिया को या सब्जेक्ट में बहुत अच्छा अब साबित नहीं होगा, वो इस एरिया में हो सकता है बहुत सी कैपेबिलिटीज़ पॉलिश ना कर सका। सो नाउ इट इज़ सो ईजी, सो गुड, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये कितने अच्छे मॉडल हैं, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह इस मॉडल में एक स्पेसिफिक प्रोसेस गुजर रहा है, पहले एक काम होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर हम एवैल्यूएट करते हैं। देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मार्कम स्किलबैक ने कहा कि प्रॉब्लम आती है जब आपका इंडिविजुअल कल्चर आता है स्कूल का, और दोनों मॉडल दे डोंट अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल कल्चर ऑफ स्कूल। Now, what is this individual culture of a school? क्या आप ये समझते हैं कि पूरे पंजाब के तमाम स्कूल्स का एक ही कल्चर होगा? क्या आपका ये ख्याल है कि जो साउथ पंजाब के बच्चे हैं या उनकी स्कूल्स हैं वहाँ के कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके वैल्यू सिस्टम डिफरेंट नहीं होंगे सेंट्रल पंजाब के स्कूल से या उनके शहरों से या उनके इलाकों से? सो हर स्कूल का एक इंडिविजुअल कल्चर होता है। कल्चर जो होता है वो बनता है जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चर बनता है स्कूल में जैसे टीचर्स होते हैं वो कल्चर डेवलप करते हैं, आपके प्रिंसिपल्स कल्चर डेवलप करते हैं, कई स्कूल्स बहुत लिबरल कल्चर रखते हैं, कई स्कूल्स बड़ा कंजर्वेटिव कल्चर रखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्कूल का कल्चर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके करिकुलम को फेल भी कर देता है और पास भी कर देता है। अगर रियासत का करिकुलम ऐसा हो जो स्कूल के कल्चर से बिल्कुल अलग होगा या उसकी कॉन्ट्ररी होगा तो स्कूल उस कल्चर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, स्कूल ऐसे कंटेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, टीचर उस कंटेंट को पसंद नहीं करेंगे और फिर वो उसे अपने कल्चर के मुताबिक मोल्ड करके पढ़ाएंगे। इन द सेम वे स्किलबर्ग मॉडल में, बैक मॉडल में, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, जो हमें बता रहा है मार्कम, वो ये बता रहा है कि करिकुलम स्कूल को खुद बनाना चाहिए, वो किसी आउटसाइड बॉडी से डेवलप नहीं होना चाहिए। करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर स्कूल के जो अपने पर्सनल लोग हैं, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जो मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, उनकी पार्टिसिपेशन करिकुलम में होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं तो अपने इंडिविजुअल कल्चर का, उसकी वैल्यूज़ का ख्याल रखते हैं। According to Malcolm, जो curriculum है it should be for the learner and teacher's makeup of experiences. Curriculum सिर्फ content का नाम नहीं है कि ये subject पढ़ लेने हैं, इनको रट्टा मार लेना है। Curriculum किस चीज़ का नाम है? जो teacher student मिल के teaching learning process में जो experiences build up करते हैं, जो makeup करते हैं, value system बनाते हैं, एक ethical system बनाते हैं, collaboration बनाते हैं, cooperation बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक फैमिली और एक कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, करिकुलम उस लर्निंग एक्सपीरियंस का नाम है। ये सिर्फ कंटेंट को पाइल अप कर देने का नाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्कम, द फ्रीडम शुड बी एक्सटेंड टू अलाउ टीचर्स टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव, सेट टारगेट्स लाइक लर्निंग कॉन्टेंट, मॉड्यूलेट द रेंज, टेम्पो ऑफ लर्निंग टास्क। मार्कम का कहना यह है कि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, वह इतने ढेर सारे स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं बता देने चाहिए कि आपके पास 3.5 माह है और आपने 3.5 माह में ये तमाम के तमाम लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स में डेवलप करने हैं और स्टूडेंट ने तमाम चीज़ों का रट्टा मारना है, ये स्किल्स उन्हें बाय ऑल मीन आ जानी चाहिए। टीचर को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव को खुद डिफाइन कर सके, वो खुद टारगेट सेटअप कर सके, ये देखते हुए कि उसकी क्लास की डायनामिक्स क्या है,
उसमें किस किस्म के बच्चे, उन बच्चों की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, और फिर वो उनके लिए लर्निंग कंटेंट खुद सेलेक्ट कर सके, ना कि हमें ऑलरेडी कंटेंट बना के दे दिया जाए कि ये टेक्स्ट बुक है, इसमें ये एग्जांपल लिखी है, ये आपने पढ़ानी है। चाहे वो एग्जांपल आपके स्कूल के कल्चर, आपके इलाके के कल्चर से मैच होती हों या ना होती हों, सो टीचर बच्चों के इंटरेस्ट देखते हुए खुद भी कॉन्टेंट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें आज़ादी हो, जो कि अकॉर्डिंग टू द मैलकम होनी चाहिए। वो अपनी टीचिंग के टेम्पो को सेट कर सकते हैं, जो उनकी लर्निंग टास्क है उसको वो फ्लेक्सिबली इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये देखते हुए कि उनकी क्लास में स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड्स क्या है मेजॉरिटी की, और स्टूडेंट की बेसिक्स नीड क्या है लर्निंग से रिलेटेड। सो टीचर मस्ट हैव अ फ्रीडम, और ये फ्रीडम उसे कौन देगा? करिकुलम देगा। अगर करिकुलम इतना रिजिड हुआ कि वो कंटेंट भी खुद बता दे कि सिर्फ यही पढ़ाना है और ऑब्जेक्टिव भी बता दे कि ये सारे अचीव करने, तो टीचर से वो फ्रीडम छिन जाती है। स्कूल एंगेजेस द एनवायरनमेंट विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, रिसोर्सेज, पीपल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। स्कूल इटसेल्फ वो एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ हमारे पास डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं उस एनवायरनमेंट में इंगेज होते हैं। कैसे इंगेज होते हैं? वो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, अपनी रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, और वो एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। हम मल्टीपल टीचर्स होते हैं एक इदारे में, और हर टीचर अपनी कैपेबिलिटीज़ रखता है, हर टीचर के पास उसका एक इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो कि रिसोर्सेज के फॉर्म में होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसकी स्किल्स होती हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ मल्टीपल लोग अपने आइडियाज़, अपनी रिसोर्सेज को शेयर करें। स्कूल का एनवायरनमेंट एक आपको नेटवर्क दे कम्युनिकेशन सिस्टम का, जहाँ टीचर टीचर से सीखे, स्टूडेंट से सीखे, स्टूडेंट टीचर से सीखे, और प्रिंसिपल भी इस लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा हो। देन स्कूल कि अगर ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली करिकुलम का डिसीजन भी फिर स्कूल को ही लेना चाहिए कि वो करिकुलम खुद बनाए, या करिकुलम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि स्कूल अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, अपने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी और अपने टीचर्स की कैपेसिटी को देखते हुए करिकुलम में एडजस्टमेंट कर सकता है। जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है वो तभी मीनिंगफुल होता है जब वो किसी एक्टिविटी से गुजर सकता हो। एक्टिविटी क्या है? जो बच्चे हैंड्स ऑन करें, जो बच्चे एक्सपीरियंस करें। एक्टिविटी वो नहीं होती जो बच्चे रट्टा मारें, जो बच्चे सुने, जो बच्चे याद करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम में मेमोराइज़ की हुई चीज़ों को री इमर्ज कर दें, रिकॉल कर लें और उसको दोबारा लिख दें। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के रट्टे से रिलेटेड नहीं होता, वो किससे रिलेटेड होता है? एक्टिविटी से। और एक्टिविटी कहाँ होगी? स्कूल में होगी, टीचर कराएगा, टीचर स्टूडेंट इंटरव्यू करेंगे। दैट्स अ रीज़न मैलकम स्किल बैक का कहना ये था कि स्कूल का और टीचर का करिकुलम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। जो प्रोडक्ट मॉडल्स हैं जिनको हम कहते हैं टेलर मॉडल और व्हीलर मॉडल जो आपने पढ़े हैं, इसके अलावा भी बहुत से मॉडल हैं। ये मॉडल क्यों प्रोडक्ट मॉडल है? क्योंकि एक फैक्ट्री का ऐसा इमेज देते हैं कि जब हम एक करिकुलम पढ़ा लेते हैं बच्चे को तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है, उसमें कुछ कैपेबिलिटीज डिवेलप हो जाती हैं। दीज मॉडल गिव स्कूल एन अथॉरिटी एंड पावर ओवर चिल्ड्रन बाय सेटिंग आर्बिट्री लिमिट्स टू स्पेकुलेशन एंड बाय डिफाइनिंग आर्बिट्री सॉल्यूशन टू अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज। ये दोनों मॉडल स्कूल को एक अथॉरिटी और पावर दे देते हैं ओवर द चिल्ड्रेन, जहां बच्चों की हम नीड को फुलफिल नहीं कर सकते, जहां बच्चों की हम स्पेसिफिक डायमेंशंस को नहीं दे सकते, उनकी लिमिटेशन और उनकी कोई स्पेशल स्ट्रेंथ को हम हाईलाइट नहीं कर सकते। एक बनाया करिकुलम होता है, और चाहे वो बच्चे का उसमें एप्टीट्यूड हो या ना हो, स्कूल अथॉरिटी वो करिकुलम उस पर इम्पोज करती है और वो बच्चे को वो करिकुलम पढ़ना पड़ता है। ये हो सकता है कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ उस करिकुलम से बेहतर हो, लेकिन फिर भी अंडर द फोर्स वो ये इस करिकुलम से गुजरता है जो रेडी टू डिलीवर होता है, जो रेडीमेड अवेलेबल होता है।
क्या करता है जनाब स्कूल की अथॉरिटी, दिस सेटिंग आर्बिट्री लिमिट्स स्पेकुलेशन एंड बाय डिफाइनिंग आर्बिट्री सॉल्यूशन टू अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज। बच्चे जो हैं बहुत से मल्टीपल आइडियाज़ निकालते हैं जब हम उनको कोई प्रॉब्लम देते हैं, जब हम उन्हें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट को अपने रेंज में, अपने आइडियाज़ में डिफाइन करने के काबिल होते हैं। लेकिन जब हमारे पास रेडीमेड करिकुलम मौजूद होता है जिसमें ऑलरेडी बताया गया होता है कि आपने बच्चे के आइडियाज़ को नहीं देखना, आपने सिर्फ उसको वो कंटेंट और वो आइडिया पढ़ाना है जो इस किताब में मौजूद है और कंटेंट में मौजूद है, तो बच्चों के लिए वो एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है। और इस तरीके से स्कूल जो है वो बच्चों के ऊपर अपनी पावर वाया करिकुलम एक्सर्ट करता है, बच्चों के अपने आइडियाज़ जो हैं और बच्चों की अपनी स्पेकुलेशन जो है वो सेकेंड साइड लाइन हो जाती है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। द हॉल मार्क ऑफ द प्रोसेस मॉडल इज सोशलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, कॉन्सिक्वेंटली द प्रोसेस मॉडल प्लेसेस सिग्निफिकेंट डिमांड ऑन द टीचर। फर्स्ट इम्प्लिसिट इन द मॉडल इज द नोशन दैट बोथ स्टूडेंट टीचर डिवेलप अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ टीचर इज कास्ट इन द रोल ऑफ अ लर्नर। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग इज चूजन एज एन एम बिकॉज इट कैन नॉट बी अचीव्ड and understanding can always be deepened. So how process model, ye jo model abhi hum padhne jayenge, Malcolm Skelbeck ka model jo hai, that's a dynamic model, aur dynamic model hi process model bhi kehlata hai, ye kaise different hai product model se? Ye aise different hai ki ye model teacher ko authority provide karta hai, ki teacher apni class ki needs aur inspiration dekhte hue करिकुलम को चूज़ करती है, कंटेंट को चूज़ करता है, और फिर वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस क्लास की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाता है। इस मॉडल में टीचर की ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आता है और टीचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक्टर होता है। उसका काम सिर्फ कॉन्टेंट स्टूडेंट तक पहुँचा देना नहीं होता कि ये आपकी कोर्स आउटलाइन है, ये हमने पढ़ा दिया, ये कॉन्टेंट है, अब आप जाने और आपके एग्ज़ाम्स जाने। टीचर का काम होता है कि वो एक सोशलाइज लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप करता है। उस लर्निंग एनवायरनमेंट में वो भी स्टूडेंट है और जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टूडेंट हैं, यानी कि लर्न करना सिर्फ स्टूडेंट का काम नहीं है, टीचर भी कॉन्टीन्यूसली लर्न कर रहा है, बाय डायरेक्शनल लर्निंग है। कैसे लर्न कर रहा है? वो कॉन्टीन्यूसली देख रहा है कि मेरी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो वर्कआउट हो रही हैं किस ग्रुप पे, और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ वर्कआउट नहीं हो रही किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे। अब मैंने जो कंटेंट दिया है, क्या बच्चों को उसमें इंटरेस्ट हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो उसकी क्या वजूहत है? मैं इन कॉन्टेंट को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ? सो ये कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस है टीचर के लिए भी। दूसरा ये है कि जो की पर्पज़ है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग इज चूजन एज अ एम बिकॉज इट कैन नॉट बी अचीव्ड। अंडरस्टैंडिंग जो है वो सब्जेक्ट में डिवेलप करनी है, कॉन्सेप्ट में डिवेलप करनी है, कोर्स में डिवेलप करनी है, ना कि कंटेंट का रट्टा मारना है। तो जब भी आप किसी एरिया में अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करते हैं तो वो कभी भी अपनी कोई मैक्सिमम हाइट तक अचीव नहीं होती। हमेशा हर सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है, इनडेफिनिट है, और हमारा काम क्या होता है कि हम कॉन्टीन्यूसली इसमें एक्सपर्टीज डेवलप करते रहें, डेफिशिएंट रहें। हमेशा हम स्टूडेंट रहते हैं, हम बहुत सीखने के बावजूद हम बहुत कुछ नहीं सीखते, और हम कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करते रहते हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए। सो व्हाट दिस मॉडल इज टेलिंग कि किसी भी सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो एक्चुअली लिमिटेड नहीं होता उसके कॉन्टेंट तक, वो अनलिमिटेड होता है, बहुत डीप होता है। और स्टूडेंट में रटे की जगह एप्लीकेशन और एनालिसिस लेवल की स्किल्स पैदा करनी चाहिए ताकि वो डीपर लर्निंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकें। स्किल बैक मॉडल ऑफ स्कूल बेस्ड करिकुलम डेवलपमेंट आपके सामने है। इसके अंदर हमारे पास 5 फेसेस हैं: सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्युएशन। हम ब्रीफली स्किल बैक की एक एक स्टेप को और स्टेज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ द स्किल बैक मॉडल ऑफ स्कूल बेस्ड करिकुलम डेवलपमेंट है सिचुएशनल एनालिसिस, और इसके दो पार्ट्स हैं। द नंबर 1 इज एक्सटर्नल एंड सेकेंड 1 इज इंटरनल।
सिचुएशन एनालिसिस कैसे की जाती है जब हम करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं स्कूल का? सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल फैक्टर का सिचुएशन एनालिसिस करते हैं. उसमें क्या आता है, आपका कल्चर सोशल चेंजेस आती हैं कि वो जो करिकुलम आप एडॉप्ट करने जा रहे हो बाहर से वो आपके स्कूल आपके इलाके की कल्चर और सोशल डायनेमिक से कितनी डिफरेंट है. पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेज रहे हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि स्कूल जो है उनके साथ क्या करेगा, किस किस्म का सलूक करेगा, कैसा करिकुलम पढ़ाएगा, कैसा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरवीव करेगा. हमारे यहाँ कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम स्पेसिफिकली पेरेंट स्कूल देखते हैं कि इन स्कूल के बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं कि जब हमारे बच्चे इन स्कूल्स में जाएंगे तो उनकी स्पोकन जो इंग्लिश है या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी. सो स्कूल करिकुलम बनाने से पहले जब सिचुएशन एनालिसिस करता है तो वो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी देखता है कि जो उसके पास जिस जगह से बच्चे आ रहे हैं उनकी फैमिली की हमसे क्या डिमांड है. एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स देखता है. हमारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे जहाँ वो जॉब करने जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और कम्युनिटी वैल्यूज़ क्या हैं, आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, एजुकेशनल सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, आपकी जो लोकल अथॉरिटी है जैसे हमारी पंजाब बोर्ड की अथॉरिटी है या इंटरमीडिएट बोर्ड की अथॉरिटी है उनकी क्या डिमांड है, किस किस्म के आपके करिकुलम प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं और क्या एजुकेशनल रिसर्च है जो उनको गाइड करती है उनको बताती है. सो ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं. जब हम करिकुलम डेवलप करने लगते हैं तो हम इसे अपने सामने रखते हैं. फिर क्या करते हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. हम ये देखते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है. ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है. मिसाल के तौर पे आप आईटी और कंप्यूटर के बुक्स को ले लो, वो बुक्स जो आज से 10 साल या 15 साल पहले लिखी गई थी, मेरा ख्याल है कंप्यूटर की बुक्स में से 50% मटीरियल जो है वो आउटडेटेड हो चुका होगा. सो चेंजिंग नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है. उसका भी हमें सिचुएशन एनालिसिस करना पड़ता है करिकुलम डेवलप करने से पहले. टीचर सपोर्ट सिस्टम क्या है, उस स्कूल में जो टीचर्स अवेलेबल हैं वो किस किस्म की ट्रेनिंग करके आए हैं, किन रिसर्च इंस्टीट्यूशन से उनका लिंक है, कहाँ वो काम कर रहे हैं और क्या उनके पास वो ट्रेनिंग मौजूद है कि जो करिकुलम आप बनाने जा रहे हो वो करिकुलम पढ़ा लेंगे. आप ये चाहते हो कि आपके टीचर्स जो हैं वो पूरा करिकुलम इंग्लिश में पढ़ाएं, क्या उनमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पूरा करिकुलम इंग्लिश में पढ़ा सकें, या वो लैब वर्क करा सकें, क्या वो टीचर्स लैब वर्क करा सकते हैं. सो ये तमाम इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर हैं सिचुएशन एनालिसिस के जो हमें करिकुलम डेवलपमेंट से पहले देखने पड़ते हैं. फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द स्कूल. अगर मैं करिकुलम में स्कूल के बनाते हुए ऐसी चीज़ें डाल लेती हूँ जो कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड करती हैं जो स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सो जब हम कोई भी करिकुलम डेवलप करते हैं स्कूल बेस्ड करिकुलम को, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि स्कूल के पास किस किस किस्म की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फंड्स अवेलेबल हैं, कमरे किताबें लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, और उसका फ्लो कितना है, क्या वो कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, क्या एकदम स्कूल के फंड बंद हो जाते हैं. सो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमें अपना करिकुलम बनाना है. नाउ वी हैव गॉन थ्रू द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे सामने होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है, उनकी नीड असेसमेंट करनी होती है, सिचुएशन एनालिसिस करना होता है. ये हमारा करिकुलम जब हम स्कूल का बनाते हैं स्कूल बेस्ड करिकुलम तो हमारा पहला स्टेप है. अगली चीज़ आती है सिचुएशन एनालिसिस में कि जब आपने एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया तो अब आप करोगे इंटरनल सिचुएशन एनालिसिस कि स्कूल के अंदर आपके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं और उनको देखते हुए फिर आपने करिकुलम के एम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं. स्कूल में सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद है, आपके शागिर्द स्टूडेंट्स, आप ये देखते हो अपने सिचुएशन एनालिसिस में कि आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या इंस्पिरेशन हैं, उनके किस किस्म के एप्टीट्यूड हैं, क्या बच्चे ऐसे हैं जिनमें मोस्टली बच्चे आर्ट को परसू करना चाहते हैं, म्यूज़िक को परसू करना चाहते हैं, या आईटी और कंप्यूटर को परसू करना चाहते हैं, या साइंस को परसू करना चाहते हैं, या सोशल स्किल्स को परसू करना चाहते हैं, उन बच्चों की क्या एबिलिटीज़ हैं और उनकी डिफाइंड एजुकेशनल नीड्स क्या हैं.
डेफिनेटली अगर मेरा स्कूल लो इनकम एरिया में होगा और वहाँ पे उन फैमिलीज़ के बच्चे आएंगे ज़्यादातर जिनमें दोनों माँ और बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं अपने स्कूल में अगर हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ाऊँगी और बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने के बाद किसी चीज़ में दिक्कत होगी तो उनके वालदैन उन्हें इंग्लिश के कंटेंट को नहीं समझा पाएंगे, नहीं हेल्प कर पाएंगे घर में। तो मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चों की एबिलिटीज़ क्या हैं, उन स्टूडेंट की एबिलिटीज़ क्या हैं जो मेरे स्कूल्स में हैं, उनकी क्या एजुकेशनल नीड्स हैं, उनको सामने रखते हुए मुझे सिचुएशन एनालिसिस करना है। फिर मैं देखूँगी कि मेरे पास टीचर्स कौन हैं, उन टीचर्स की क्या वैल्यू सिस्टम है, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, किस किस्म की स्किल्स हैं उनमें, क्या नॉलेज एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उसको मैं देखते हुए सिचुएशन एनालिसिस करूँगी। और करिकुलम को आगे ले जाने से पहले मैं ये देखूँगी कि टीचर्स के डायनामिक्स क्या हैं, मैं ये देखूँगी कि हमारे स्कूल जिसके लिए मैं ये करिकुलम बनाने जा रही हूँ उसके एथिक्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर क्या कॉमन अजम्पशंस हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है, जिसके अंदर आपकी स्कूल ट्रेडिशन भी शामिल है, जिसमें आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है कि क्या पावर शेयर्ड है या उसकी हायरार्की है। शेयर्ड पावर में तमाम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं, बच्चे भी, टीचर्स भी, मेंटोर भी, कोऑर्डिनेटर भी, या पावर ऐसी है कि प्रिंसिपल सिर्फ डिसीजन ले लेता है और बाकी तमाम लोग ओबे करते हैं। अथॉरिटी के साथ लोगों के रिलेशनशिप कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर हैं जो सिचुएशन एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं स्कूल का स्पेसिफिक करिकुलम डिवेलप करने से पहले। मटेरियल रिसोर्सेज क्या हैं स्कूल के अंदर, उसके अंदर कोई प्लांट्स हैं, कोई आपकी लेबोरेटरीज हैं, कोई इक्विपमेंट हैं, किस किस्म की इक्विपमेंट हैं, किस किस्म की लैब्स हैं, किस किस्म के प्लांट्स हैं जिसको हम देखते हुए स्कूल का करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। परसीव्ड एंड फेल्ट प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टकमिंग इन एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो भी आपकी परसीव्ड हैं या एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ऑलरेडी मैयर कर लिए हैं, जो आप एग्जिस्टिंग करिकुलम जो आपका स्कूल में चल रहा है वो क्या है, वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उनमें आपको क्या लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये वो तमाम इंटरनल फैक्टर्स हैं जो स्कूल के अंदर के फैक्टर्स हैं जो कि हमें करिकुलम बनाते हुए इनका सिचुएशन एनालिसिस करना चाहिए अगर हम स्कूल बेस्ड करिकुलम बना रहे हैं। सो इस मॉडल का नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम वो देखते हैं। जो नेक्स्ट फेज है मैल्कम के मॉडल की वो है ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, दोज क्लोजेस्ट टू द चिल्ड्रन, द टीचर्स शुड हैव अ सेंट्रल रोल टू प्ले इन डिसीजन मेकिंग अबाउट द डिवेलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो मैल्कम का कहना ये है, स्किलबैक का कहना ये है कि जो बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा करीब होता है उसी को करिकुलम डिवेलप करना चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, उसको स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम बनाने चाहिए। और क्या है, और ये है कि द ऑब्जेक्टिव फॉर द करिकुलम आर अ रिजल्ट ऑफ टीचर सिचुएशनल एनालिसिस। टीचर खुद अपनी क्लास का सिचुएशनल एनालिसिस कर लेता है, टीचर को खुद पता होता है कि मेरी क्लास के डायनामिक्स क्या हैं, किस किस्म के स्टूडेंट हैं, किन बैकग्राउंड से आए हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, इनकी क्या एप्टीट्यूड है, और उससे बेहतर कोई नहीं जानता। दैट्स अ रीज़न वो क्या करता है, वो बेहतर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना सकता है। डिसीजन मेकिंग रोल किसका होना चाहिए, टीचर का होना चाहिए, सीनियर स्टाफ प्रिंसिपल का होना चाहिए जब वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाते हैं या स्टूडेंट से रिलेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं स्कूल बेस्ड करिकुलम में। लेकिन हमें स्किल बैक ये नहीं बताता कैटेगोरिकली कि डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारा करिकुलम फ्लैक्सीबल हो, वो कुछ मोटे मोटे चीज़ें बता दें कि ये चीज़ें तो आपने डिवेलप करनी ही करनी है, ये हमारे गोल्स हैं, ये तो स्टूडेंट ने अचीव करने ही करने, आप इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप टीचर प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेटर और जो दूसरा स्टाफ है स्कूल का वो मिलके स्टूडेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना लें। तो ये बताना ज़रूरी है कि क्या डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन होगी स्टूडेंट के स्टाफ की एट द वेरियस लेवल इन द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्किल बैक ने इसके ऊपर कोई ऐसा सच डिस्कशन नहीं की। Teacher initiated change may be more often successful than top down change. Now this is a key reason जो स्कल बैक इसको सपोर्ट कर रहा है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि वो चेंजेस स्कूल में और क्लासरूम में जो टीचर खुद इनिशिएट करते हैं, खुद लाना चाहते हैं, खुद वो चेंजेस को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुली कर लेते हैं, ना कि वो चेंजेस जो अथॉरिटी चाहती है।
या कोई थर्ड पार्टी जाती है कि स्कूल में ये चेंज लाया जाए। सो टीचर का खुद उस डिज़ायर का होना ज़रूरी है कि मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ। अगर टीचर की अपनी डिज़ायर हो और वो चेंज प्रोडक्टिव हो तो टीचर का करिकुलम में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। नॉट ओनली इज द चेंज लाइकली टू बी रिलेटिवली सेंसिटिव टू परसीव्ड स्टूडेंट नीड बट द टीचर हु इम्प्लीमेंट्स द चेंज हैज़ अ कमिटमेंट टू मेक इट वर्क बाय वर्च्यू ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन इट्स इनिशिएशन। जो क्लास के टीचर होता है वो सेंसिटिव होता है अपने स्टूडेंट्स की नीड्स के बारे में। क्यों? क्योंकि वो अपने एक एक स्टूडेंट को जानता होता है, वो उनके साथ टाइम गुजार रहा होता है, उसे अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का पता होता है, उसे वीकनेसेस का पता होता है, उसे लिमिटेशंस का पता होता है, और वो अपने स्टूडेंट को एक फैक्ट्री में आने वाला रॉ प्रोडक्ट नहीं समझता, वो ह्यूमन बींग समझता है। उससे उसकी अटैचमेंट होती है, मोहब्बत होती है, और इसलिए उसकी सेंसिटिविटी होती है। सो वो जो भी चेंज इनिशिएट करता है टीचर, उसे अपनी कमिटमेंट के साथ क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकता है क्लास की नीड्स को देखते हुए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज हमें ये बताती हैं जो टीचर खुद चेंजेस इनिशिएट करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। कैसे होती हैं और ये चेंजेस टीचर कैसे ला सकता है, कैसे ये रैशनल चेंजेस हो सकती हैं कि वो ऐसी चेंजेस हों जिसको मॉनिटर किया जा सकता हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी देखी जा सकती हो, जिसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन देखी जा सकती हो, वो टीचर कर सकता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि आपके जो टीचर्स होते हैं वही रिसर्चर होते हैं। उनकी लेबॉरेटरी वो रिसर्च कहाँ पे करते हैं, उनकी लैब क्या होती है, उनकी एक्चुअल क्लासरूम होती है और उनकी क्लासरूम सेटिंग होती है। उन्हें पता होता है कि क्लासरूम में मेरे बच्चे मैथमेटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, सो अब वो क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे उसके लिए वह एक एक्शन रिसर्च डिज़ाइन करते हैं और उसे किसी और मेथड और एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो बच्चों के लेवल के मुताबिक हो और जो बच्चों की नीड के मुताबिक हो। फिर क्या करते हैं, ये जो भी उनकी एक्शन रिसर्च होती है ये टेलर मेड होती है स्पेसिफिक रियलिस्टिक सेटिंग के लिए। टेलर मेड क्या मतलब, वो टीचर अपनी क्लास के लिए डेवलप कर रहा है, उसे पता होता है कि मेरी क्लास के बच्चों के ये नीड्स हैं, ये गैप्स हैं, तो एक स्पेशल स्पेसिफिक एक्टिविटी उन स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेसिफिक बच्चों के लिए डेवलप करता है उनकी नीड्स को सामने रखते हुए। सो इसमें क्या होता है, रिसर्च इन्वॉल्व द रेगुलर पर्सनल इन देयर यूजुअल ऑनगोइंग रिलेशनशिप, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एक्शन रिसर्च में जब टीचर एक्शन रिसर्च क्लास में करते हैं, वो जब ये प्लान बनाते हैं कि ये कंटेंट एरिया हम किस तरीके से पढ़ाएं कि हमारी क्लास के जो बच्चे हैं उनको समझ आ जाए, तो ये टेलर मेड होता है और डेफिनेटली वो उस क्लास के लिए स्पेसिफिक होता है और इसमें आपकी कोई एप्लीकेबिलिटी का या जनरलाइजेशन का सवाल पैदा नहीं होता कि दूसरा टीचर भी उस एक्टिविटी को एज इट इज़ इस्तेमाल करके अप्लाई करके देखे कि क्या वही रिज़ल्ट आते हैं या नहीं आते। अगर वो रिज़ल्ट नहीं भी आते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वजह ये होती है कि हर क्लास की डायनामिक्स डिफरेंट होती है। जो थर्ड फेज है मालकम के मॉडल का वो है डिज़ाइन। स्किल बैक एडवोकेट द कंसिडरेशन बाय टीचर्स ऑफ मीन्स मटीरियल दैट इज़ स्पेसिफिकेशन ऑफ किट resource unit text material during the design phase of his school based curriculum development model. In effect this entails the selection and adaptation of externally developed material. So design ka kya matlab hai skill back ke model mein, design wo phase hai jahan teachers jo hain material find out karte hain ki wo apna content padha sake, aur wo material jo hota hai wo teacher khud bhi develop kar sakte hain, bana sakte hain और वो बाहर से भी बना बनाया ले सकते हैं। चूज़न मटेरियल शुड बी लिंक्ड विद द करिकुलम ऑब्जेक्टिव। अब वो जो भी मटेरियल ले रहे हैं, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, अगर वो कोई सीरीज ले रहे हैं, अगर वो कोई बुक्स ले रहे हैं, वो तमाम का तमाम मटेरियल करिकुलम ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होना चाहिए। कॉनली ने आइडेंटिफाई किए हैं दो प्रॉब्लम कि टीचर्स जब मटेरियल चूज़ करते हैं तो कौन से दो इश्यूज़ आते हैं। सो कॉनली का कहना ये था कि टीचर इन्वॉल्व इन स्कूल बेस्ड करिकुलम डेवलपमेंट इज़ टू बी एबल टू रैशनलाइज द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग चॉइस
एंड ऑफ सिलेक्टिंग हमन मटीरियल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जब टीचर्स को कहा जाता है कि आप खुद मटीरियल चूज़ करें, तो उनकी चॉइसेस में और मटीरियल के सिलेक्शन में हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो थ्रेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्रेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि वो जो चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं और स्कूल का जो वैल्यू सिस्टम है, क्या वो मटीरियल उसके साथ मैच करता है, टीचर्स को ये देखना पड़ता है। और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना पड़ता है, क्या बच्चे उस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकेंगे, क्या उस मटेरियल की मेंटेनेंस के लिए स्कूल के अंदर रिसोर्सेज मौजूद हैं। नंबर टू, टीचरिंग द हैबिट्स ऑफ माइंड एप्रोप्रिएट टू डेलिब्रेटिंग अबाउट द करिकुलम्स यूज ऑफ आइडियाज मटेरियल्स सर्कमस्टेंसेस एंड द मींस टू अचीव द रिजल्टिंग इमेजेस ऑफ द क्लासरूम। सो जब हमारे पास मटीरियल आता है तो टीचर्स को एक रूटीन में एक तरीके से सोचने की आदत हो जाती है, और अगर कोई इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग मटेरियल आता है तो टीचर उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वो वही हिसाब किताब मटेरियल ले लेते हैं जो उससे पहले वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट्स डिवेलप हो चुकी होती हैं उस मटेरियल को बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की, उन नोट्स बुक को, उन एक्टिविटीज़ को, उन चार्ट्स को, या उन सॉफ्टवेयर को, या कोई भी प्ले से रिलेटेड जो आपके स्कूल के लर्निंग डिवाइसेस हैं उसको। तो टीचर्स की जो ये हैबिट्स ऑफ माइंड होती हैं ये उन्हें इनोवेटिव कई दफ़ा मटीरियल चूज़ करने से रोकती हैं। देन द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग डेवलपर ऑफ करिकुलम इन स्कूल एज बीइंग कंसेप्चुअल एंड फॉर मोस्ट पार्ट रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड मटीरियल कॉन्सिक्वेंसेस एज बीइंग ईजिली एडेप्टेबल टू एग्जिस्टिंग फिजिकल स्ट्रक्चर लूप्ड करिकुलम मटीरियल। सो टीचर्स जो हैं उनको मटीरियल चूज़ करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर कोई इनोवेटिव क्रिएटिव और डिफरेंट मटीरियल आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, तो टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम उस मटीरियल को इसलिए चूज़ नहीं करते क्योंकि वो उन्हें इस्तेमाल करने खुद नहीं आता, तो वो स्टूडेंट को कैसे इस्तेमाल कराएंगे। तो इसका हल क्या है कि हम टीचर्स को उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दें मटीरियल को, कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसे क्यों इस्तेमाल करना है, और टीचर को उसकी ट्रेनिंग दें। The next level or the next phase is implementation. So आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि आप सोचें कि आपका एक स्कूल है और आप उसका करिकुलम डिवेलप कर रहे हैं, और आप मॉडल किसका ले रहे हैं, स्किल बैग का। तो सबसे पहले स्किल बैग के मॉडल में आपने अपने स्कूल का करिकुलम डिवेलप करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का सिचुएशन एनालिसिस कर लिया। आपने एक्सटर्नल फैक्टर में देख लिया कि आपके यहाँ किन घरों से बच्चे आएंगे, उनके वालदैन की क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। आपने एक्सटर्नल फैक्टर में देख लिया कि आपका जो डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने ये देख लिया कि किस किस्म की टीचर ट्रेनिंग अवेलेबल है। आपने ये देख लिया कि जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंजेस आ रही हैं वो क्या हैं। आपने ये देख लिया कि आपके स्कूल को कितनी फंडिंग मिलने वाली है इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कितनी देर तक मिलेगी। उसके बाद आपने सिचुएशन एनालिसिस भी कर लिया इंटरनल फैक्टर्स का। आपने देख लिया कि आपके पास मेजॉरिटी बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या डायनामिक्स हैं। देन आपने देख लिया कि जो आपके टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनके किस किस्म के एटीट्यूड्स हैं। आपने देख लिया, एनालिसिस कर लिया कि आपके स्कूल का पावर स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आपने टीचर्स को इन्वॉल्व किया कि हम बच्चों के, स्टूडेंट्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो टीचर्स जो हैं आपके साथ मिलके करिकुलम में स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ये सामने रखते हुए कि उनकी क्लास के बच्चे क्या हैं, उनके बच्चों के डायनामिक्स क्या हैं, उन बच्चों की नीड्स क्या हैं, और वो अभी किस लेवल पर खड़े हैं। फिर आपने टीचर्स के साथ मिलके मटेरियल डिसाइड कर लिया कि ये ऑब्जेक्टिव हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें किस किस्म का मटेरियल चाहिए, कौन सी किताबें चाहिए, कौन सी आर्टिकल्स चाहिए, कौन सी गेम्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, टेस्टिंग मटेरियल चाहिए, किस किस्म के हमें एक्टिविटीज़ के पेज चाहिए, और आपने मल्टीपल मटीरियल टीचर्स के साथ चूज़ कर लिया। अभी तक जो कुछ आपने किया वो प्लानिंग का हिस्सा था। आपने सिचुएशन एनालिसिस किया, उस पर करिकुलम बनाया, जो आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं सब्जेक्ट में आपने टीचर्स से मिलके वो बना लिए, आपने मटेरियल चूज़ कर लिया, लेकिन अभी तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। नाउ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज।
वो हमेशा होती है इम्प्लीमेंटेशन की। और स्किल बैक की जो ऑब्जर्वेशन है ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, टीचर रेजिस्टेंस टू चेंज अ सेंट्रल प्रॉब्लम टू द इम्प्लीमेंटेशन। टीचर चेंज को खुद ही रेजिस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब भी हम कोई नया करिकुलम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ इंस्टॉलिंग द करिकुलम चेंज इन एन ऑनगोइंग इंस्टीट्यूशन सेटिंग वेयर देयर मे बी अ क्लैश बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। ये हो सकता है कि एक इदारा जिसमें बहुत अरसे से एक पुराना करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और उस इदारे के अंदर एक क्लैश हो जाए ओल्ड और न्यू के दरमियान कि हम पिछला करिकुलम पढ़ा रहे थे, अब हम नया करिकुलम क्यों पढ़ाएं, और उन दोनों के कंटेंट में क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो एक क्लैश का बायस बन जाए। दैट्स अ रीज़न टीचर रिजिस्ट करते हैं। वो कन्फ्यूज होते हैं कि जो नई चीज़ें आप करिकुलम में ला रहे हैं ये हमें पढ़ाने नहीं आती, ये हमारी इस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं होती एंड एटसेट्रा। इन अ डिज़ाइन मॉडल दीज मस्ट बी एंटिसिपेटेड पास थ्रू अ रिव्यू ऑफ एक्सपीरियंसेस एनालिसिस ऑफ रेलेवेंट रिसर्च थ्योरी ऑन इनोवेशन एंड इमेजिनेटिव फॉरकास्टिंग। सो ये तमाम जो रेजिस्टेंस है टीचर की ये डेफिनेटली ओवरकम की जा सकती है जब हम टीचर्स को देखें कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं, और रिसर्च और थ्योरी के थ्रू हम टीचर्स को ट्रेनिंग दें, उन्हें गाइडलाइन दें। और किस किस तरीके से हम टीचर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो रेजिस्ट ना करें चेंज को, नए करिकुलम को आने दें, वो सीखें और अपनी कन्फ्यूजन दूर करें, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में मज़ीद स्टडी करेंगे। Lethwood and Russell have shown that teacher acceptance rejection of a curriculum innovation depends upon the matching or congruency between the curriculum and the teacher's relevant cognitive structure. What does it mean by कि teacher किसी भी नई चीज़ को क्यों reject कर देते हैं या accept कर देते हैं? उसकी एक बहुत अहम वजह ये होती है कि क्या जो teacher का already knowledge या cognitive structure है वो जो नई आने वाली चीज़ें वो उससे match करती है। ऐसा तो नहीं होता कि टीचर्स ने वो काम ज़िंदगी में कभी ना किया। हमारे यहाँ इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल ये है कि हमारे जो बहुत सीनियर टीचर्स हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने कभी कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं किए होते, या वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर एज सच घर में कॉमनली इस्तेमाल नहीं किए होते या जिनके घर लैपटॉप भी नहीं होते। तो जब हम करिकुलम में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देते हैं और कंपल्सरी बना देते हैं तो टीचर्स उसको अडॉप्ट करने में रेजिस्टेंस शो करते हैं। उसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है या जो स्किल्स हैं वो उनकी करंट नॉलेज और स्किल्स से मैच नहीं होती, और उनके जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं उस स्किल्स को अब स्टूडेंट तक पहुंचाने में सिखाने में वो उससे मैच नहीं होते। तो टीचर क्या करते हैं, अगर वो उससे मैच ना हो तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अगर टीचर्स टेक्नोलॉजी के आदि हों तो किसी भी इस किस्म की इनोवेशन को क्या करते हैं, फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाई इनोवेटर्स आर मोर लाइकली टू पजेस अ ग्रेटर रेंज ऑफ रिलेटेड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स टू विच द इनोवेशन मे बी एसिमिलेटेड एंड मेड मीनिंगफुल दैन लो इनोवेटर्स। मोस्ट ऑफ द टीचर जो कि खुद इनोवेटर्स होते हैं, नई से नई चीज़ें सीखते हैं, नई आने वाली टेक्नोलॉजी नॉलेज आर्टिकल जर्नल्स स्किल के साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि जब भी कोई स्कूल में नया चेंज आए करिकुलम के अंदर वो उसे फौरन कबूल कर लें। क्यों? क्योंकि जो टीचर मुस्तकिल सीखते रहते हैं और अप टू डेट रहते हैं नॉलेज में स्किल्स में, उनके अंदर मल्टीपल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और जैसे ही स्कूल उन्हें ट्रेनिंग देता है उनके लिए आसान होता है क्योंकि वो उन चीज़ों को इन अ वे और अनदर अपनी कॉमन लाइफ में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन लो इनोवेटर्स जो कि नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखते, नई नई चीज़ें नहीं पढ़ते, नई नई स्टडीज़ को नहीं देखते, या जो आपकी नए जो चीज़ें आ रही होती हैं माशरे में उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, मार्केट में जो आ रही होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कोई नई चीज़ को सीखना या उसे एक्सेप्ट करना। The role of the system-based personnel in generating awareness of planned curriculum change in school. So क्या किया जाए, कैसे जब हम एक करिकुलम को चेंज करते हैं और इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और टीचर रेजिस्ट करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं या वो नहीं सीखना चाहते या उनके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते जो उनके साथ मैच होते हों नई करिकुलम चेंज के साथ, क्या करें, हम कैसे इम्प्लीमेंट करें? तो उसका एक तरीक़ेकार ये है कि जो उस स्कूल सिस्टम के लोग होते हैं
वो खुद आके ट्रेनिंग दें, लाइक प्रिंसिपल ट्रेनिंग दें, मेंटोर ट्रेनिंग दें, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग दें. उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपने टीचर को जानते हैं. बिल्कुल ऐसे ही कि अगर टीचर खुद अपनी क्लास के ऑब्जेक्टिव बनाता है तो अपने स्टूडेंट्स को जानता है. जब प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर या आपकी सीनियर फैकल्टी जूनियर्स को या कोई कॉम्पिटेंट फैकल्टी बाकियों को ट्रेनिंग देती है तो उसे पता होता है कि मेरा किस टीचर और मेरा जो कलीग है वो किस लेवल पे है और मैं इसे कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ. तो जब अपने ही दोस्त और कलीग्स ट्रेनिंग देते हैं तो एक ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ ज़्यादा बेहतर डायलॉग्स हो जाता है, वहाँ हमें दूसरे की कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होता है, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वहाँ सीखना और सिखाना आसान हो जाता है और टीचर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है. नोवेटनी स्टेट टीचर आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट इम्प्लीमेंट अ करिकुलम इफ चेंज एजेंट इज समवन दे ट्रस्ट. टीचर ट्रस्ट टीचर्स मोर देन ईदर प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एंड लाइकली टू अडॉप्ट अनदर टीचर्स आइडिया. सो टीचर्स जो हैं जब हम उनको नया करिकुलम ला के देते हैं या करिकुलम में चेंजेस लेके आते हैं तो टीचर से इम्प्लीमेंट कराने का एक बेहतरीन तरीका क्या है कि कुछ टीचर्स को ही ट्रेनिंग दी जाए और वो अपने दोस्तों को सिखाएं, उनको बताएं, उनको हेल्प करें नए करिकुलम को अडॉप्ट करने में, उसकी चेंजेस को सीखने में, उसको अपनी प्रैक्टिस में लाने में. क्यों? क्योंकि टीचर सबसे ज़्यादा क्लोज किसके होते हैं? टीचर्स के होते हैं. तो प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर की जगह अगर कोलीग्स ही आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट करें, मोर स्किल्ड कोलीग्स, तो वो बहुत आसानी से ये चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स तैयार हो जाते हैं. दैट्स द रीज़न आपका जो ये मॉडल है मैल्कम स्किल बैग का, उसका भी फोकस इसी पे है कि टीचर शुड टेक इंटीग्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट इन एवरी फेज. सो इम्प्लीमेंटेशन में भी इंटीग्रल पार्ट और सेंट्रल पार्ट किसका होगा? टीचर का ही होना चाहिए. लास्ट फेज है एवेल्युएशन. स्किल बैग प्लेसेस क्लासरूम टीचर इन अ डिसीजन मेकिंग रोल ड्यूरिंग एवेल्युएशन फेज. एवेल्युएशन विल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग एडिंग टू द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम. टीचर शुड बी एवेल्युएटर. सो कौन एवेल्युएशन करेगा? हमारे यहाँ आम जो एवेल्युएशन होती है टेलर मॉडल में या आपकी व्हीलर मॉडल की जो एवेल्युएशन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीचर नहीं करता, वो एक्सटर्नल एवेल्युएशन होती है. जैसे कि हमारे यहाँ जो एवेल्युएशन होती है ग्रेड 5 की, 8 की, 9 की, 10th की, 11 की, 12 की, अब वो हमारे बोर्ड के पेपर बनते हैं, अब वो टीचर खुद नहीं बनाता. तो एवेल्युएशन को, एक्सटर्नल एवेल्युएशन को ज़्यादा वैलिड, ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव समझा जाता है. लेकिन स्किल बैग का कहना यह है कि एवेल्युएशन भी किसे करनी चाहिए? टीचर को खुद करनी चाहिए, जिसने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जिसने मटीरियल चूज़ किया है, जिसने ट्रेनिंग ली है और दी है, जिसने बच्चों को पढ़ाया, सो वो बेहतर तरीके से एवेल्युएशन खुद कर सकता है. लेकिन स्किल बैग का ये आइडिया तमाम लोगों को पसंद नहीं है. क्यों पसंद नहीं है? कुछ लोगों का कहना ये है कि टीचर ऑब्जेक्टिविटी इन एवेल्युएटिंग द लर्नर प्रोग्राम इज़ डाउटफुल. टीचर कैसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है जब वो अपने ही बच्चों को कॉन्स्टेंट एवेल्युएशन कर रहा है? और ये डाउटफुल हो सकता है कि टीचर बायस्ड हों, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं टीचर एवेल्युएशन में जो उन्हें ऑब्जेक्टिव नहीं रहने देते, जैसे कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्कूल का एनवायरनमेंट और फिजिकल इमोशनल हेल्थ, उनकी ट्रेनिंग, डिपेंडेंसी ऑन द सिस्टम, एक्सपीरियंस उनके कोलीग्स का जिससे वो मुस्तकिल सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट उन्हें ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन नहीं करने देता. So there is a wide range of personal, professional and system variable to the decision making process जो हमारे decision making process को affect करते हैं. वो हमारे अपनी personal personality problems होते हैं, और हमारे कुछ professional problems होते हैं, कुछ system के problem होते हैं जो हमें objectively, transparency के साथ और valid evaluation नहीं करनी. लेकिन अलर्ट वुड और रसल का कहना ये है कि उनकी एक स्टडी है और उस स्टडी में उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि टीचर आर एबल टू एवेलुएट ऑब्जेक्टिवली द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन प्रोग्रेस बाय यूजिंग क्राइटेरियन रेफरेंस्ड मेजरमेंट. टीचर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स की एवेलुएशन कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट को यूज़ करें.
अब ये क्या चीज़ होती है क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट, ये आपने ज़रूर असेसमेंट में पढ़ी होगी इन द थर्ड सेमेस्टर। इसको एक दफ़ा याद करें या इसको गो थ्रू करें, यू विल गोइंग टू गेट इट। स्किल बैक परसीव्स द रोल ऑफ द टीचर टू बी सेंट्रल ड्यूरिंग द एवेल्युएशन फेज, इंश्योर कॉन्टीन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम। स्किल बैक का कहना ये है कि टीचर शुड बी एट द सेंटर। वाई एवेल्युएशन के, क्योंकि टीचर ही ने दोबारा जितनी भी चीज़ें फाइंड आउट की होंगी एवेल्युएशन में, उसी ने दोबारा करिकुलम में रिकंस्ट्रक्ट करनी है, उसी ने दोबारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसी ने दोबारा बच्चों के लिए मटीरियल चूज करना है, उसी ने दोबारा इम्प्लीमेंट करना है और उसी ने दोबारा एवेल्युएट करना है। सो टीचर इज एक्चुअली द सेंट्रल फिनोमेना ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सो ही और शी शुड बी इन द सेंटर or the nucleus of each and every phase. This is one of the most important factor जो कि आपको टेलर के और व्हीलर के मॉडल में नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? ह्यूमन एस्पेक्ट। ह्यूमन एस्पेक्ट किसका? स्टूडेंट्स का और टीचर का ह्यूमन एस्पेक्ट। वो कौन है एज अ ह्यूमन, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी क्या बिलीव्स हैं, उनकी क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो कैसे मिल के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है उन दोनों के बीच में, कैसे वो मिल के एक लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरव्यू करते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें डायनामिक मॉडल में मिलता है और हमें स्किल बैक के मॉडल में मिलता है, जो कि हमें टेलर के और व्हीलर के मॉडल में नहीं मिलता।